हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो आज का टॉपिक है हमारा, वो जो हम अपनी सीरीज जो है बायोकेमिस्ट्री सीरीज, उसको शुरू कर रहे हैं। तो उसमें जो है वो हमने अमाइनो एसिड की सीरीज जो हमने शुरू की है, और अमाइनो एसिड में हमने कुछ ग्लाइसिन और अमाइनो एसिड के बेसिक जो है वो फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में कवर कर लिए हैं। एंड थर्ड पार्ट में मैंने आपको बताया कि कैसे पीएच जो होता है वो कैलकुलेट किया जाता है, मतलब चार्ज जो है अमाइनो एसिड के ऊपर वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ पीएच। अगर आपको पीएच दिया और उसमें मैंने फॉर्मूले बताया, तो मेक श्योर आपने वो तीनों पार्ट जो है वो देख लिए हो। आज जो है हम अमाइनो एसिड एलानिन जो है वो उसको डिस्कस करेंगे, उसके स्ट्रक्चर के साथ और उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। और इस तरह हम वन बाय वन सारे अमाइनो एसिड डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जो हमारी बायोकेमिस्ट्री की सीरीज है वो है 2022 के लिए, एग्जाम के लिए, जो सभी के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो डीबीटी का एग्जाम हो, आईसीएमआर का एग्जाम हो, या कोई भी एग्जाम हो लाइफ साइंस से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक जो है एलेलिन, अमाइनो एसिड एलेलिन। ये जो होता है वो मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि एलिफेटिक अनब्रांच अमाइनो एसिड दो होते हैं, एक ग्लाइसिन एंड एक एलेलिन। ये अनब्रांच होते हैं क्योंकि इसमें कोई ब्रांच की फॉर्मेशन नहीं बनी होती है। ग्लाइसिन के केस में कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है, और एलेलिन के केस में CH3 जो होता है वो कार्बन एटम के साथ अटैच होता है। ये जो कार्बन एटम होता है वो कौन सा कार्बन एटम होता है? अल्फा कार्बन एटम। अल्फा फॉर्म जो होती है वो अमाइनो एसिड की मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है। तो एलेलिन को जो एब्रिविएशन में लिखते हैं अमाइनो एसिड के केस में, वो लिखते हैं ALA के, एंड इसका जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल A। ठीक है, ये एलिफेटिक अनब्रांच चेन होती है। दो एलिफेटिक अनब्रांच चेन जो होती है वो दो अमाइनो एसिड होते हैं, जिसमें ग्लाइसिन एंड एलेलिन होते हैं। ग्लाइसिन हमने डिस्कस कर लिया फर्स्ट पार्ट में, और अब हम एलेलिन के बारे में देखेंगे। तो एलेलिन का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो होता है 89 डाल्टन। ठीक है, मेजर ट्रांसपोर्टर फ्रॉम मसल टू लीवर, जो हमारी मसल टू लीवर में ट्रांसपोर्ट होता है उसमें एलेलिन जो होता है वो एक मेजर ट्रांसपोर्टर की तरह हेल्प करता है। ठीक है, डी एलेलिन इन बैक्टीरियल सेल वॉल, जो डी एलेलिन एक डी एन एल फॉर्म होती है, डी एन एल फॉर्म होती है अमाइनो एसिड की, दो फॉर्म होती है डी एंड एलेलिन फॉर्म। जो डी फॉर्म होती है वो मेनली शुगर के लिए होती है, और ऐसे मोस्ट कॉमन फॉर्म जो होती है वो एल फॉर्म होती है अमाइनो एसिड के लिए। बट डी एलेलिन जो होती है वो प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसमें कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है? डी एलेलिन अमाइनो एसिड। अब एलेलिन की अगर डी एमिनेशन की जाए तो वो फॉर्म करता है अल्फा केटो एसिड। मीन एलेलिन की डीएमिनेशन की जाए तो वो क्या फॉर्म करता है? पाइरूवेट। ठीक है, एलेलिन इज पेरेंट मॉलिक्यूल फॉर ऑल द अमाइनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन। एलेलिन जो होता है पेरेंट मॉलिक्यूल्स होता है ऑल अमाइनो एसिड के लिए एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ये अभी क्यों कहा गया है कि एलेलिन जो होता है एक पेरेंट मॉलिक्यूल्स होता है? क्यों? क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर होता है CH3, वो सभी ये जो CH3 इसके स्ट्रक्चर में लगा है कार्बन, अल्फा कार्बन एटम के साथ अटैच है ग्रुप, ये जो है वो सभी 20 अमाइनो एसिड में कॉमन होता है एक्सेप्ट ग्लाइसिन। क्यों? क्योंकि ग्लाइसिन के केस में यहाँ पे CH के अलावा, CH नहीं, H हाइड्रोजन एटम जो होता है वो अल्फा कार्बन एटम के साथ अटैच होता है। ठीक है, बाकी जितने भी अमाइनो एसिड है उसमें CH ग्रुप 3 जो है वो कॉमन ग्रुप अटैच होता है, इसलिए इसको एलेलिन को पेरेंट मॉलिक्यूल्स कहते हैं सभी अमाइनो एसिड का एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का क्यों? क्योंकि ग्लाइसिन में CH नहीं, H ग्रुप जो होता है वो अल्फा कार्बन एटम के साथ अटैच होता है। इट प्ले रोल इन नाइट्रोजन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम टिश्यू टू लीवर। ये एलेलिन जो होता है वो आल्सो प्ले करता है इम्पॉर्टेंट रोल नाइट्रोजन ट्रांसपोर्ट में, हेल्प करता है फ्रॉम टिश्यू टू लीवर में। ठीक है, तो ये इसका एलेलिन का कॉमन स्ट्रक्चर है। ये अमाइनो ग्रुप, कार्बोजाइल ग्रुप एंड हाइड्रोजन ग्रुप, ये जो होता है वो सभी अमाइनो एसिड में सेम होता है, सिर्फ यहाँ पे जो होता है आर चेंज होती है, साइड की चेंज होती है, वो सभी अमाइनो एसिड में डिफरेंट होती है। तो ये था एलेलिन के बारे में
जितना इसका इम्पोर्टेंट था, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको लाइन, जो कई बार एग्जाम में पार्ट सी में या पार्ट बी में भी एज ए लाइन के फॉर्म में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। इस तरह हमारा ग्लाइसिन भी कंप्लीट हो गया, एलेलिन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिफैटिक ब्रांच चेन, जो एलिफैटिक ब्रांच चेन होती है उसमें कौन से अमाइनो एसिड आते हैं। ग्लाइसिन एंड एलेलिन जो थे वो दो एलिफैटिक अनब्रांच अमाइनो एसिड थे, जो हमने डिस्कस कर लिए डिटेल में। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो एलिफैटिक अनब्रांच अमाइनो एसिड के ऊपर आएगी। थैंक यू, होप सो आप वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।